कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा होती है, जो बाधा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध की जो सिंबल की बात करें तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, और रेजिस्टेंस का सिंबल इस प्रकार से भी होता है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। अब प्रतिरोध को तीन चीजों में बांटा गया, एक होता है निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध क्या होता है, एक ओम या एक ओम से कम, एक ओम या एक ओम से कम का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, निम्न प्रतिरोध। और निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए प्रतिरोध एम्पीयरमीटर विधि और केल्विन विधि सबसे बढ़िया विधि होती है। निम्न मान का प्रतिरोध मापने के लिए वो केल्विन विधि काम में ली जाती है। अब निम्न मान के प्रतिरोध क्या होते हैं, जैसे मिली ओम में, माइक्रो ओम में। अब मिली ओम को मैं लिख सकता हूं 10^-3 ओम, और माइक्रो को लिख सकता हूं 10^-6 ओम। अब इसको या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/1000, ऐसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से लिख सकता हूं। ये हो गए निम्न मान के प्रतिरोध, एक ओम या एक ओम से कम हो। मान के जितने भी प्रतिरोध आते हैं वो निम्न मान के प्रतिरोध होते हैं। इसे मापने के लिए केल्विन सेतु विधि का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड नंबर आता है मध्यम मान के प्रतिरोध। मध्यम मान के प्रतिरोध क्या होता है, एक ओम से अधिक और 100 kΩ तक के जो प्रतिरोध आते हैं वो क्या होते हैं, मध्यम मान के प्रतिरोध होते हैं। इनको नापने के लिए वोल्टमीटर एम्पीयरमीटर विधि, पोस्ट ऑफिस बॉक्स यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा इनके मान को आप माप सकते हो। अब तीसरी कंडीशन आती है, वो आती है उच्च मान के प्रतिरोध, उच्च मान के प्रतिरोध। अब जो उच्च मान के जो प्रतिरोध होते हैं, जैसे केबल का इंसुलेशन, और इसे नापने के लिए मेगर का प्रयोग किया, इसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेगर का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंडीशन सबको पता चल गई। अब बात करते हैं हम प्रतिरोध के नियम की, प्रतिरोध के नियम की। तो अगला पॉइंट है प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध का नियम किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है, सबसे पहले आर प्रतिरोध ओम में, लंबाई मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, उसके बाद में रो विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोधकता यानी किसी चालक का 1 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का जो प्रतिरोध होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है, प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। अब जैसे कि प्रूफ की बात करें, मैं बहुत इसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध इसे हम लेते हैं ओम, मीटर या सेंटीमीटर के अंदर। और उसके बाद में आता है तापमान, और इसे डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। अब बात करते हैं इस नियम से, नियम की बात करें पहले एक विशेष प्रतिरोध होता है, तुलना करते हैं जैसे कि तांबा, क्या ले रहा हूं, तांबा और एल्यूमिनियम, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग चालकता होती है। जो तांबा होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 29, कितनी होती है, 29, और एल्यूमिनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 13। और इनकी जो प्रतिरोधकता की बात करें,
विशिष्ट प्रतिरोधकता की बात करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो तांबे की होती है 1.7 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। और जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम की जो प्रतिरोधकता होती है 2.86 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर। अब बात करें इनकी चालकता के अंदर भी देखो 29 या 13, प्रतिरोधकता में भी चेंज है, तो अलग अलग साइज के अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। अब बात करते हैं हम इस सूत्र की, प्रतिरोध के नियम की। तो प्रतिरोध का नियम कह रहा है R के समानुपाती क्या होता है, लंबाई। R के समानुपाती क्या होता है, लंबाई। जैसे ही इसकी लंबाई बढ़ाई जाए तो इसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। सेकेंड नंबर की बात करें हैं लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती अनु व्युत्क्रमानुपाती विलोमानुपाती क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, यदि इसका एरिया मैं बढ़ाऊं तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, यदि मैं इसका एरिया घटाऊं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विलोम। तीसरी कंडीशन है पदार्थ की बात करें, विशेष प्रतिरोध की बात करें, इसके समानुपाती होते हैं पदार्थ। कौन सा पदार्थ आप काम ले रहे हो, जिस हिसाब का पदार्थ है उसी हिसाब से रेजिस्टेंस होगा, उसी हिसाब से उस पदार्थ के अंदर, पदार्थ अच्छा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, पदार्थ के ऊपर ये सारी चीज निर्भर कर रही है। अब कंडीशन तीसरी कंडीशन आती है टेम्परेचर की, आर के समानुपाती क्या आता है, टेम्परेचर। अब इसकी सूत्र की बात करें तो रेजिस्टेंस का मेन सूत्र आपको हमेशा याद रखना, आर बराबर रो इंटू एल बटा एरिया, यानी प्रतिरोध ओम में, विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसकी इकाई क्या होती है, ओम। अब मैं इसके चार सूत्र बना रहा हूं, एक दूसरा है एरिया बराबर, एरिया बराबर रो इंटू एल बटा आर। तीसरा जो सूत्र है विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो आर इंटू ए बटा एल। और यदि हम चौथे सूत्र लंबाई की बात करें तो लंबाई की बात करें तो R इंटू ए बटा रो, ये इसके सूत्र। अभी इनकी इकाइयों की बात करें, ये क्या है, सबके पीछे इकाई लिखी हुई है, तो इकाई क्या है, एरिया की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर जिसमें ले रहे हो सेंटीमीटर स्क्वायर। विशिष्ट प्रतिरोध की होती है ओम सेंटीमीटर, ओम इंच, ओम मीटर। तीसरी होती है लंबाई, लंबाई होती है हमेशा किसमें, मीटर में। अब ये सूत्र बना कैसे, ए नारे इकाई आई के जीरो प्रूफ कर लियो, देखो प्रतिरोध की इकाई नहीं आई, जैसे आ है मात्रक, और मात्रक का तो आयोग, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है आपकी ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ओम मीटर ले रहा हूं, ओम मीटर। लंबाई की इकाई है मीटर, मीटर बटा एरिया की इकाई है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से ये दोनों बढ़ जाएंगे और पीछे क्या बचा, ओम, ये आपका उत्तर आ गया। अब सेकंड नंबर की बात करें कि भाई एरिया है, एरिया को मान रखा, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये ले रहे अभी, तो ओम मीटर इंटू लंबाई की इकाई है मीटर और रेजिस्टेंस की इकाई है ओम, तो ओम से ओम कट, अब क्या बचा अपना मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई है। तीसरी रो की बात करें तो रो के अंदर रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम, एरिया की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, लंबाई की इकाई होती है मीटर, मीटर से एक मीटर कट गया, पीछे क्या बचा अपना जो सूत्र आ गया इसका, ओम मीटर, ये आगे इसकी इकाई। ओम मीटर भी हो सकती है, ओम इंच भी हो सकती है, ओम सेंटीमीटर भी हो सकती है। लंबाई की बात करें भाई, इसकी इकाई क्या आनी चाहिए, मीटर, कैसे आई, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, एरिया की इकाई होती है मीटर स्क्वायर और विशिष्ट प्रतिरोध की ओम मीटर, तो एक मीटर से एक मीटर ये कट हो जाएगा, ओम से ओम कट हो जाएगा, पीछे अपना बचा ओम मीटर बचा, यानी ये इसकी इकाई है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस की बात। अब इस सूत्र के द्वारा प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई बटा एरिया, इसके ऊपर आप कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए उसे आप कर लोगे। अब सेकंड नंबर आता है टेम्परेचर, तापमान की बात करें, जिस प्रकार प्रतिरोध के समानुपाती क्या आते हैं,
विशेष प्रतिरोध आते हैं, लंबाई आती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती क्रॉस सेक्शन एरिया आता है, उसी प्रकार से उसके चारों ओर का तापमान टेम्परेचर के ऊपर भी ये सारी चीजें निर्भर करती है। अब ये चीज देखो, रेजिस्टेंस यानी टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, उसके मैं चार सूत्र ले रहा हूं, ध्यान। पहला सूत्र क्या आता है टेम्परेचर का, आर टी बराबर आर ओ कोस ए प्लस एल्फा टी, यानी ये सूत्र टेम्परेचर। सेकेंड नंबर जो होगा एल्फा बराबर, एल्फा बराबर आर टी माइनस आर ओ बटा आर ओ इंटू टी। तीसरा जो सूत्र होता है इसका, आर टी टू बराबर आर टी वन मंजिला कोष्टक ए प्लस एल्फा जीरो छोटा कोष्टक टी टू माइनस टी वन। टेम्परेचर का निकालना होता ना, उस हिसाब से आप रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। उसी प्रकार से चौथा जो सूत्र ले रहे हैं, आर टी वन बराबर आर टी टू मंजिला कोष्टक एक प्लस एल्फा जीरो छोटा कोष्टक टी वन माइनस टी टू। ये तो हो गई टेम्परेचर की बात। अब मैं बात कर रहा हूं चालकता की। अब चालकता क्या होती है, जिस प्रकार प्रतिरोध है प्रतिरोध के प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उसी प्रकार से चालकता विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करती है। और यह क्या होता है, चालकता की बात करें तो जी बराबर एक बटा आर, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना इसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी इनकी चालकता अधिक होगी। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता की, इकाई की बात करें इसकी, इकाई क्या होती है, मो या साइमन। प्रतीक इसका जी होता है और इकाई इसका मो या साइमन होता है। अब बात करें विशिष्ट चालकता की, विशिष्ट चालकता की, पिछली दफे सवाल आया था इसका, विशिष्ट चालकता क्या कह रहा है, सिग्मा बराबर ए बटा विशिष्ट प्रतिरोध, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है मो प्रति सेंटीमीटर, मो प्रति सेंटीमीटर। ये इकाई पिछले एग्जाम में सवाल आया था और इकाइयों से रिलेटेड और भी सवाल आते हैं, ठीक है।